बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी एसडीएम कार्यालय पहुंचे और कई वर्षों से एक ही परिवार के पापोलॉजी पर कब्जे को लेकर मंत्री और महामंत्री के साथ कमेटी को भंग करने की मांग की। जैन धर्म को मानने वाले पपौरा जी की कमेटी के खिलाफ लामबंद होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां मंत्री और महामंत्री के साथ कमेटी को भंग करने की उन्होंने मांग की। उन्होंने कहा, अतिशय क्षेत्र में रहने वाली बहनों से कमेटी बिजली के बिल जमा करवाती है। आचार्य श्री की कृपा से पपौरा जी में प्रतिभा स्थली की शुरुआत की गई थी, जिसमें 200 के लगभग जैन धर्म के साथ साथ अन्य धर्म की बच्चियां भी अध्ययनरत थी, जिसको टीकमगढ़ से हटाकर यूपी के जिले ललितपुर में स्थानांतरित किया जा रहा है। इसके साथ बड़े स्तर पर आर्थिक अनियमितताएं कमेटी के द्वारा की जा रही हैं। पपौरा ट्रस्ट में काफी समय से अनियमितताएं और तानाशाही चल रही है। साधु संतों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, ब्रह्मचारी बहनों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। ट्रस्ट में जो कुछ लिखा हुआ है कि हम परमार्थिक ट्रस्ट है, कोई परमार्थिक काम नहीं होते हैं। ट्रस्ट में लिखा हुआ है कि हम ब्रह्मचारी आश्रम चलाएंगे, वृत्ति आश्रम चलाएंगे, कोई वृत्ति आश्रम नहीं चल रहा है। ब्रह्मचारी और वृत्ति बहनों से पैसे लिए जा रहे हैं, कमरा का किराया वसूल किया जा रहा है, सिलेंडर के पैसे लिए जा रहे हैं, बिजली के बिल भरवाए जा रहे हैं। और प्रतिभा स्थली इतनी बड़ी सौगात जिस टीकमगढ़ नगर को जो मिली थी, जहाँ 1500 जैन अजैन सभी बच्चियों को पढ़ना था, उस पर भी उन्होंने अपनी उनकी पुत्र दृष्टि पड़ी और उनको अपने अमानत में ख्यानत करके उसका काम बंद कर दिया गया है। ज्ञापन इसलिए दिया गया है क्योंकि पपौरा कमेटी है जो मनमाने ढंग से काम कर रही है और हमारे गुरु महाराज की दी हुई गिफ्ट प्रतिभा स्थली जिसको पढ़ने नहीं दे रही है और छात्राओं की पढ़ाई को रोक रही है और हमारे मुनि राजों पे जो उनकी सुविधाएं हैं वो पूरी नहीं कर रही है, उन्हें जबरदस्ती आलाप उपवास करना पड़ रहा है। पपौरा जी है वो ट्रस्ट सार्वजनिक ट्रस्ट है जिसे कुछ लोगों ने लंबे समय से उसे पारिवारिक ट्रस्ट में बदल दिया है। कई अनियमितताएं भी हैं, समाज को जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरी समाज उस ट्रस्ट से जुड़े ताकि उस जो क्षेत्र है उसका राष्ट्रीय स्वरूप बनाया जा सके। बहुत लंबे समय से ये बात चल रही थी कि वो लोग सबको जोड़े, पूरी समाज को जोड़े, लेकिन जब उन्होंने ये नहीं किया तो बहुत मजबूरी में बड़े मन से, बड़े दुखी मन से पूरी समाज आज सड़क पर उतरी हुई है। Life is about to change, eh? No more 8 घंटे की नींद, no more late night movies, no more parties with friends. बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके future के लिए अब no more holidays, no more shopping और no more फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका future already secured हो तो? Really? Daddy बने हो, देवदास नहीं। जीना छोड़ दूंगा, holidays छोड़ दूंगा। Smart लोगों की clear है priority, बाकी सब बाद में। Cute वाले मेहमान से पहले LIC. बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियाँ हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिकर की, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है, मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।